बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम स्टडी करेंगे दा और दी का डिफरेंस। दा हम कब यूज़ करते हैं और दी हम कब यूज़ करते हैं। दा का यूज़ कॉन्सोनेंट जो अल्फ़ाबेट से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो अल्फ़ाबेट है, पहला जो इसका अल्फ़ाबेट है वो क्या है, क्यू है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, द क्वेश्चन। और जब किसी वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो वाउल से स्टार्ट हो, यानी वाउल साउंड, तो आप जानते होंगे ए ई आई ओ यू को हम वाउल साउंड कहते हैं। तो जब किसी भी वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट शुरू होता है वाउल साउंड से, तो हम दी यूज़ करते हैं। जैसे दी क्वेश्चन, दी क्वेश्चन। इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मालूमाती इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह की वोकैबुलरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर।